हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। और मैं आया हुआ हूँ बगल वाले पार्क, इसको कहते हैं बंदर पार्क। तो मैं बंदर पार्क में आया हुआ हूँ और मैं उधर नहीं गया था, बेसिकली आज बाहर ही रहा। मतलब निकल तो 5:30 बजे गया था, लेकिन हम अभी आए हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत होता है। और हर दिन आपको अंधेरे में वीडियो बनाऊँ तो यार आपको ही पसंद नहीं आता होगा, कैमरे क्वालिटी भी सही नहीं होती उतना। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा उजाले में वीडियो बनाई जाए। और दीपक भाई भी आया हुआ है, दीपक भाई भी आया हुआ, देखो दीपक भाई भी है, गोपाल भाई भी है। तो हम जब आ गए हमारा हमारे सामने जब तुम आ जाते हो सामने, ये हीरो हीरा हो जाता है। बस 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 कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो भाई एक नंबर का कैरेक्टर है हमारे पास, हमारे दीवाना, हमारा पागल दीवाना है ये आशिक। अपन बोल रहे थे कि थोड़ा सा उजालों में, और ये पार्क में लगता पहली बार वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आपको इस पार्क का दिखाता हूँ। काफी बड़ा पार्क है, अच्छा बेहतरीन है यार, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ा ठंड का टाइम है तो अच्छा भी लग रहा है, सब सुबह का टाइम है, सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ इस पार्क में पहली बार आया हूँ और बेहतरीन जगह लग रहा है। तो यहाँ पे वो देखो गोपाल भाई यहाँ पर, क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये भाई नहा के आया कि बिना नहाए आया हुआ है। नहाया नहीं हमने, कल नहाया था रात में। हाँ बता भैया। तो दीपक भाई यार ट्रेनिंग कर रहा है भाई, पहले कर रखा है भाई। सही है भाई, बंदे में दम है यार, गुरु शाबाश, बंदे में दम है यार। ये तो पुलिस केस की वजह से अटक गया। बोलो यार हल्ला कर रहा है तुम, ये सब क्यों बोल रहे हैं भाई। ये सब देख लो भाई जी, दीपक भाई का कला है हमारा भाई, एक नंबर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। हैप्पी कर लिया बंदे, यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग का बना हुआ है, आर्मी ट्रेनिंग की बनी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो। अब वहाँ का देख सकते हो, यहाँ पूरा सामान रखा हुआ है, एक समय पूरा ट्रेनिंग का भाई। तो बहुत अच्छा लगा, जिसको भी ट्रेनिंग करनी है इस पार्क में तो देख सकते हो। तो क्या कर रहे हैं, तो देखो भाई दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं भाई साहब, ये तो ट्रेनिंग करते हैं। लौंडा पतला है लेकिन अंदर में दम है। चढ़ 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 जाओ, चढ़ रहा है भाई। अब गोपाल कृष्ण चमोली चढ़ रहे हैं, ट्राई करो जाओ। तो भाई साहब अब गोपाल चढ़ रहा है जोश जोश में, अटक मत जाइयो, छूट ना जाए ऊपर, बचाने वाला कोई नहीं आएगा फिर। अरे अरे बस बस छोड़ दे, अरे छोड़ दे भाई। चमोली भाई साहब चढ़ लिए, सब जोश जोश में चढ़ रहा है। तो भाई आर्मी की ट्रेनिंग यहाँ कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे मैं बना, यहाँ देख सकते हो भाई आपस में लड़ रहे हैं वो लोग पीछे। तो भाई गोपाल भाई अपनी कहानी सुना रहे हैं, अब सुन लो, ज्ञान भर रहे हैं, ज्ञान की बात है, पंडित जी हैं तो ज्ञान भर रहे हैं, भरो ज्ञान भर रहे हैं। बात ज्ञान भरने वाली नहीं है, बात एक बार की ऐसी है, मैं बस में ट्रेवल कर रहा था, अब मैं बस में बैठने की जगह नहीं थी। मैंने सोचा यार करूँ तो करूँ, क्या करूँ, अब बहुत दूर जाना था, थकान भी लग रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था। एकदम से चलते चलते मैंने ऐसा पैर मोड़ लिया कि एक्टिंग कर दिया। अब भाई दर्द तो हो ही रहा था पैर में, मैं करता तो करता क्या करता? पैर में बीच वाले। अबे भाई और बता 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 बता, पैर में दर्द, बता बता बताने दो दो, करवा लो इसकी तो बीच की टांग, बता 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 बता। भाई क्या हुआ बताओ? भाई एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला भाई यार यहाँ से हट जाए यार, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बंदा उठा भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वक्त तो मेरा भी आएगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, टिकट चेकर आ गए, वो चेकिंग करने लग गए, उनके सामने मैंने और ज्यादा एक्टिंग करना चालू होगी, देखी जाएगी। उनने बोल दिया बेटा क्या हो गया, मैंने उन्हें टिकट विकेट चेक कराई, उन्होंने बोला बेटा तुम बैठ क्यों नहीं, तुम्हारे पैर में तो दर्द हो रहा है। और हम भैया वो वहां ने वही लड़के को उठा दिया। देखो भाई अब कहानी सुन ली, अब सच है कि झूठ है कि क्या है बाबा, कि आप समझ लो। सच का तो पता नहीं और झूठ में बोलता है। पुआ कौन खिलाने ले जा रहा है? पुआ देखो भाई खिलाने जा रहा है, क्योंकि बुलेंद्र आज जा रहे हैं। आज बच्चा आप बुंदेली में ब्लॉग बनाया लौंडा, तो भैया जी हम खुशी हम जाके वो चाहते हैं बुंदेली में बनाया, पार्टी दे रहा है, बुंदेली भाई देख रहे होंगे, तेरे को ना बोलने देंगे, भज्जा जी हम जाके, अरे या को बोलने ना देंगे, गंद फैला दो पूरा। अरे भज्जा जी हम जाके वो चाहते हैं, हम जा रहे हैं 10 को पोहा ले गए, तुम्हारे को खाने हो कोई मतलब तो जानते हो, में चूड़ा कट्टा नहीं बोलते कुछ, लिट्टी चोखा ना बोलती, लिट्टी चोखा ना बोलती, वही बोल रहा, सही बोल, मिट्टी और चूका, मिट्टी नहीं लिट्टी, हाँ वही मिट्टी चोखा होता है, वो मिट्टी चोखा नहीं होता, हाँ मिट्टी में चीगा भरा और